अरे अरे आज जरा संभाल के, मैं पड़ोसियों से मिलकर आता हूँ। जाइए। क्या भाई, खाना एकदम लाजवाब था। तूने वो रसगुल्ले खाए? है? अरे बहरा हो गया क्या, जवाब क्यों नहीं दे रहा? अरे अरे सुन तो, क्या है? कुछ नहीं, तुम बात करना चाहती थी तो सोचा बात कर लूं। पापा से बात कराऊं? स्वीटसेस, वो अपनी पड़ोसन है ना प्रिया। हाँ भाई, उसका क्या? वो है ना मेरे इश्क में पड़ गई है। शहर में लड्डू बटवाऊं? तुम्हें तो नहीं है ना, जाने दे। मुझे भी है, मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। मैं तेरी बहन हूँ, कोई ब्रोकर नहीं। और कोई नहीं मिला क्या? अरे ऐसे काम के लिए दोस्त एकदम सही होते हैं। रहने दे यार, मुझे अपना काम नहीं बिगड़वाना। इधर देख, I your friend, it equals to 2 big brothers, या फिर 4 छोटे भाई। जब प्यार की बात हो ना, तो मैं 100 brokers के बराबर हूँ। पक्का उसे भी मुझसे प्यार है, बस तंग कर रही है, थोड़ा भाव खा रही है। मिलते ही चिपकम चिपकी करने वाली सिर्फ पिक्चर में मिलती है, ये तो ना ही बोलेगी। अब जो लव गुरु कह रहे हैं वैसा कर। जैसे कि? पहले उसका पीछा कर। एक बात बता, कुछ ही दिनों में तू DSP बनने वाला है, और लड़की का पीछा करते हुए गिल्ट शिल्ट नहीं हो रहा? हाँ गुड बॉय, कल को अगर तू कमिश्नर बन जाए, कोई बड़ा मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, जब तक लड़की बट ना जाए उसका पीछा करेगा, है ना? तो कंटिन्यू। हाँ, प्रिया प्रिया फिर से पीछा किया ना तो जाके पापा को बोल दूंगी। बट गई क्या? पिटवाएगा तू। किसी ने सच कहा है, भगवान नहीं होता। क्यों नहीं होता? और क्या, सालों से सुबह शाम भगवान के सामने दिया जलाती है, पर रिजल्ट का दिया है कि जलता ही नहीं। यजमान, पूजा पाठ से कोई पास नहीं होता, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर पढ़ाई करने से ही पास हो जाते ना, तो भगवान का क्या फायदा? ये ले, हो गया तेरा। एक घंटे से घूम घूम के रट्टा लगा रही हो, ये मैथ्स है, हिस्ट्री नहीं, समझी? जितना सीरियसली वो किताब पढ़ रही है ना, उससे ज्यादा सीरियसली तो तू उसे पढ़ रहा है। मैं उसे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट मारे जा रहा हूँ, पर वो भाव ही नहीं दे रही। जो ये बिल्ली का खेल खेल रही है, दिखाता हूँ उसको। मैं तो बैल हूँ, तू तो स्कूल बैल है, जो हर घंटे बजता रहता है। थैंक यू आंटी। ड्यूटी कब से ज्वाइन करनी है? फील्ड ट्रेनिंग खत्म होते ही। तुमने सिविल एग्जाम्स में टॉप किया, और एक ये है मेरी नालायक उल्लू की पट्टी ग्रैंड फेलियर। शिक्षक की बेटी 6 बार फेल हो जाए तो नाक कटने वाली बात है। अगर इस साल भी पास नहीं हुई तो अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री से इसका ब्याह करवा दूंगा। बस अंकल, इतनी जल्दी क्या है, मुझे एक चांस दीजिए। बेटा, वो मैं अपनी बहन को पढ़ाता था ना सर, तो सोचा कि प्रिया को भी पढ़ा सकता हूँ ताकि वो पास हो जाए। बेटा, इसकी बंजर बुद्धि में ज्ञान के फूल खिलेंगे क्या? पापा, इसकी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ के दिखा दूंगी। प्लीज 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 प्लीज। पुलिस वाले से डर रही है, तुम्हारे डंडे का जादू चलेगा। मुझे नहीं पढ़ना पापा, मना कर दो। देखा कैसे पापा को लपेटे में ले लिया। ये तुमने ड्रॉ किया है, तुम तो अच्छी आर्टिस्ट लगती हो। चलो चलो, जाके अंकल से कुछ सीखो, उनकी तरह बनना। हाँ, तो पेज नंबर 200। प्रिया गेट रेडी, टेस्ट लेके देखें अब तक क्या सीखा है। ये रहा क्वेश्चन पेपर, 10 मिनट का टाइम है। पापा, हमें राहुल का ऑपरेशन कराना होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। धीरज रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये क्या हो गया? उनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, हम बचा नहीं सके। कैसे जी पाऊंगी मैं?
पहले भी चाटपटी खो चुकी हूँ, फिर से ऐसा मेरे पास। फेल होने की वजह समझ में आ गई, इतना तेज टीवी चलाएंगे तो कैसे फोकस करेगी? सॉरी बेटा। चित्रा बहन घर पर हो? बाप रे, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा ना? बेटा मेरी बीवी तो पड़ोसन के घर टीवी देखने चली गई, वो सीरियल में राहुल की कंडीशन बहुत खराब है, उसका आगे क्या होगा मुझे भी देखना है। ठीक है, लेकिन दरवाजा बंद कर लेना और टीवी का वॉल्यूम कम रखना। थैंक यू बेटा। स्वीट हार्ट सिस्टर, क्या बात है? एक मेकअप किट ला के दूंगा अगर कड़क चाय पिलाएगी तो। प्यारे बच्चों, एक सेकंड भी किताब से नजर नहीं हटनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट। ओके अंकल। साइड आर्टिस्ट आउट, अब हीरो हीरोइन का सीन चालू। तुम स्मार्ट मत बनो। मेरी फोटो क्यों खींची और मुझे आंख क्यों मारी? मैं पापा को बुलाऊं? बुलाऊं क्या? यूजलेस, इस जन्म में कभी पास नहीं हो सकती। इससे अच्छा होगा आई लव यू बोल के लाइफ सेट कर ले। क्यों चिल्ला रही हो प्रिया? इसी से पूछो ना, इसने मारा। क्या हुआ बेटा? इसे ताजमहल पे ऐसे लिखने के लिए कहा था और उसने ये लिखा है। ताजमहल एक बेहतरीन कॉफी है और कॉफी पीने से आपको नींद नहीं आती है। ब्लैक कॉफी पियोगे तो काले पड़ जाओगे, इसलिए दूध डाल के पियो। पिछले एग्जाम में एग्जैक्टली यही लिखा था और पापा ने मुझे 2.5 नंबर दिए थे, है कि नहीं? इसने मुझे आंखें दिखाई पर तुम मत डरना, लगे रहो। पापा, मास्टर जो कह रहे हैं वो करो। ए, उठो, उठो, उठ जाओ। ऑफ दे दो। घर के चूल्हे चौके से बचने के लिए मैंने पढ़ने का ढोंग किया था, पर ये तो उससे भी बुरा है। थोड़ी दया दिखा दो, कितनी क्यूट हूँ मैं, प्लीज। तो फिर पढ़ाई करने के लिए किसने कहा? सिर्फ लव करो। डार्लिंग आई लव यू बोल डाल, आजाद कर दूंगा। नो वे, चल जा। कितनी ढीठ है तुम। मुझे गुस्सा आ गया ना तो सर फोड़ दूंगी। ठीक, I love you, cancel. एक किस से काम चला लूंगा मैं। पहले मारने के लिए सॉरी बोल। पहले अपनी आंखें बंद कर। ये तुम्हारा सॉरी बोलने का तरीका है? पापा से पूछती हूँ, ठीक है? चाय। ताजमहल शाहरुख खान ने बनाया था। मम्मी ने ट्रेनिंग पर जाने के लिए पैकिंग करने को कहा है। ज्यादा खुश मत हो, ट्रेनिंग पास में ही है, बीच बीच में आता रहूंगा। फील्ड ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानते हो? एक हफ्ते पैरा कांस्टेबल की ड्यूटी देनी होगी, अगले 7 दिन क्रिमिनल्स के पोस्ट चेक करने होंगे, फिर राइटर बनके कंप्लेंट्स लिखनी होगी, SI की ड्यूटी कर स्टेशन मेंटेनेंस सीखना होगा, इंस्पेक्टर बनके उनके कामकाज और इन्वेस्टिगेशन करने के प्रोसेस को समझना होगा, और ट्रैफिक हवलदार से लेके DSP तक के सारे काम करने होंगे। कॉलेज स्टूडेंट से सर, दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। टॉर्च देना। पीछे
सर ऐसा तो होना ही था, दोनों के दोनों हेडलाइट बंद करके चला रहे थे। झूठ बोलता है। हेडलाइट्स ऑन थी, लाइट फूटने पे ऑक्सीजन अंदर जाएगा और टंगस्टन जल जाएगा। मुथुर रिपोर्ट में इसका जिक्र करना। सर, ये NRI मर्डर केस है, डॉग स्क्वाड ने पूरे घर को चेक किया है, डेड बॉडी यहाँ नहीं है सर। ये जगह खुदवानी होगी। गुड, और अगले संडे को रेंजर्स की क्लास तुम लोगे, ठीक है? लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराती हैं, एक पार्टिकल के कंपोनेंट्स दूसरे पार्टिकल में कंप्लेंट के लिए पेपर, बीट ड्यूटी पर रिश्वत मांगना, हमारे डिपार्टमेंट की छवि धूमिल कर रहा है। सर एक्यूज के लिए खाना, स्टेशन का मेंटेनेंस, भूख हड़ताल पर बैठे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को अरेस्ट करने पर उनके लिए बिरयानी, इन सब में साल का 3 लाख रुपए जाता है। अगर आप इन सब का इलाज कर सकते हैं तो हम रिश्वत की तरफ देखना बंद कर देंगे। जिनके पास है उनसे ले लो और जिनके पास नहीं है उन्हें जाने दो। बिरयानी खिलाने के अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है।